अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट अवर लेक्चर ऑफ सोशल स्टडी, लेसन नंबर 2, माय फैमिली। इसमें फैमिली का इंट्रोडक्शन है। अभी हम पहले रीडिंग करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। माय नेम इज बिलाल। This is my family. There are 6 members in my family. My grandfather, my grandmother, my father, my mother, me and my sister. We live together. इस पेज पर उन्होंने अपनी इसने अपनी फैमिली के बारे में बताया। किसने? बिलाल ने बताया। माई नेम इज बिलाल, मेरा नाम बिलाल है। दिस इज माई फैमिली, और ये मेरी फैमिली है। देयर आर 6 मेंबर्स इन माई फैमिली, मेरी फैमिली में 6 लोग हैं। माई ग्रैंडफादर, फिर वो ये बताता है कि कौन कौन है उनकी फैमिली में। ग्रैंडफादर यानी दादा। माय ग्रैंडमदर यानी मेरी दादी माँ। माय फादर मेरे अब्बू। माय मदर मेरी माँ। मी एंड माय सिस्टर, मैं और मेरी बहन। वी लिव टुगेदर, हम इकट्ठे रहते हैं। हम इकट्ठे रहते हैं। अवर ग्रैंड मदर टेल्स अस इंटरेस्टिंग स्टोरीज एट नाइट। वी डेली गो फॉर आ वॉक विद अवर ग्रैंड फादर। माई सिस्टर इज यंगर देन मी। Her name is Fatima. She is in playgroup. We go to the same school. We go to school together. I love her very much. I always take care of her. Our grandmother tells us interesting stories at night. क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब है कि दादी हम्मा हमें रात को बहुत इंटरेस्टिंग दिलचस्प स्टोरीज कहानियाँ सुनाती हैं। दादी अम्मा हमें रात को बहुत दिलचस्प स्टोरीज सुनाती हैं। We daily go for a walk with our grandfather. हम अपने ग्रैंडफादर के साथ वॉक के लिए जाते हैं, यानी दादा अबू के साथ सैर करने जाते हैं। माई सिस्टर इज यंगर देन मी, मेरी बहन जो है वो मुझसे छोटी है। हर नेम इज फातिमा, उसका नाम जो है वो फातिमा है। शी इज इन प्ले ग्रुप, वो प्ले ग्रुप में पढ़ती है। We go to the same school. हम एक ही स्कूल में जाते हैं। सेम स्कूल, एक स्कूल। We go to school together. हम स्कूल इकट्ठे जाते हैं। Together एक साथ इकट्ठे। हम इकट्ठे स्कूल जाते हैं। I love her very much. मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। I always take care of her. मैं हमेशा उसकी केयर करता हूँ, देखभाल करता हूँ। Very loving and kind, बहुत मेहरबान और प्यार करने वाले हैं। और they take care of our needs, वो हमारी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं। After reading हम ये काम करेंगे। यहाँ पर ये मैंने draw किया है एक tree। आपने अपनी फैमिली का इंट्रोडक्शन देना है। इसमें कॉपी का पेज रेडी करेंगे, ऐसे ही आपने एक ट्री ड्रॉ करना है और यहाँ पर उसको अपने फैमिली ट्री को
कंप्लीट करना है. लेसन नंबर टू, माय फैमिली. कंप्लीट योर फैमिली ट्री विद द नेम्स ऑफ योर फैमिली मेंबर्स. इस साइड देखें, ये जो ब्लॉक है इसमें फादर यानी अपने फादर का नेम लिखिए. इस साइड ये जो ब्लॉक है इसमें मदर अपनी मदर का नेम लिखिए. ये ब्रदर, यहाँ पर ब्रदर का नेम आएगा और यहाँ भी ब्रदर का नेम आएगा. इसके बाद है जी यहाँ पर सिस्टर और सिस्टर, जिनकी वन सिस्टर और वन ब्रदर है वो वन वन नेम लिख सकते हैं. जिनकी टू हैं वो यहाँ पर टू मेंशन करेंगे. टू ब्रदर नेम, टू सिस्टर नेम, ऐसे ही आपने इनको मेंशन करना है. इसके बाद नीचे आपने यहाँ पर माई सेल्फ यानी अपना नाम लिखना है. ये आपका फैमिली ट्री है, इसको आपने कंप्लीट करना है. ऐसे ही कॉपी पे ड्रॉ करना है, डेट डे मेंशन करना है, लेसन नंबर, और फिर इसको आपने कंप्लीट करना है. ये आपका होम टास्क है. नेक्स्ट जो आपका काम है, नेक्स्ट पेज पे करना है, डेट और डे मेंशन करना है. लेसन नंबर टू, माय फैमिली. क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट आंसर. चूज द करेक्ट आंसर. यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इन वर्ड्स को चूज करके आपने इन ब्लैंक्स में फिल करना है. फर्स्ट वर्ड है टेक केयर, रिस्पेक्ट, पेरेंट्स, होम, फन, लव. नंबर वन इज आई लिव विद माई डैश. आई लिव विद माई डैश. यहां से आप क्या लिखेंगे, कौन सा वर्ड लिखेंगे, ये आपने देखना है. टेक केयर लिखा है, रिस्पेक्ट, पेरेंट्स, होम, फन, लव. तो इसमें से मैंने चूज किया पेरेंट्स. मैं अपने पेरेंट्स के, वालदैन के साथ रहती हूं या रहता हूं. We all live in a beautiful dash. Beautiful dash. हम सब एक खूबसूरत, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, होम, घर में रहते हैं. होम. We all live in a beautiful home. Number थ्री, our parents dash of us. Our parents dash of us. पेरेंट्स क्या करते हैं, टेक केयर, टेक केयर, देखभाल करते हैं. हमारे पेरेंट्स, हमारे वालदैन हमारी देखभाल करते हैं. टेक केयर वर्ड नंबर थ्री में आएगा. नंबर फोर, वी डैश अवर पेरेंट्स. वी क्या आएगा, रिस्पेक्ट. क्या आएगा, रिस्पेक्ट. वी रिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स. हम अपने पेरेंट्स की इज्जत करते हैं. नंबर फाइव, वी डैश ईच अदर. वी डैश ईच अदर. इसमें क्या आएगा, हम एक दूसरे से लव करते हैं, प्यार करते हैं. वी लव ईच अदर. हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं. जी स्टूडेंट्स, ये आपके दो होम टास्क हैं. ये आपने अपनी कॉपीज पर, इनको नोटबुक्स पर कंप्लीट करना है विद डेट और डे. ऊपर लेसन का नेम भी होगा और कंप्लीट एक्सरसाइज आपने अपनी कॉपीज पे करनी है. इनको लर्न भी करना है. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.